God, that is. God. इसमें तो लोग रहेगा ना, इसे उधर खाना है, इसमें बात नहीं समझता को फालतू आदमी को किसी को भेज देगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। बिहार में महागठबंधन के बारे में महज 4 महीने ही बीते हैं, लेकिन खटपटाहट शुरू हो चुकी है। लगातार आरजेडी के नेताओं और मंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है, दूसरी तरफ साफ तौर से झलक रहा है कि अब महागठबंधन कुछ ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। पहले सुधाकर सिंह का बयान आता है, उसके बाद विजय मंडल का बयान आता है, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी किया, पूरी तरह से खटपटाहट साफ तरीके से देखा जा सकता है बिहार में किस प्रकार से। और साथ ही साथ जेडीयू जो है इस पे अग्रेसिव मोड में है, वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से कल देखा गया था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पे पहुंच के उपेंद्र कुशवाहा को अरे हाथों लिया, तो कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि महागठबंधन टूटने वाला है। आपको बता दें कि अभी अभी थोड़ी देर पहले जदयू कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार पहुंचते हैं और उसके बाद काफ़ी जो माहौल होता है वो गर्मा गर्मी का माहौल होता है। चारों तरफ से देखा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय घूमते हैं, निरीक्षण करते हैं, और दूसरी तरफ प्रवक्ताओं को भी छूट मिली है लगातार जदयू पे आरजेडी पे जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही आ रहा है कि महागठबंधन अब कुछ ही दिन का मेहमान रह गया है, क्योंकि लगातार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जो बयानबाजी हुई थी, सुधाकर सिंह ने शिखंडी कह दिया था, कटोरा लेकर के केंद्र सरकार के पास विशेष राज्य का दर्जा मांगने का बात कह दी थी, साथ ही साथ नाइट गार्ड भी कह दिया था। वही दूसरी तरफ विजय मंडल ने कह दिया था कि इनका जो शासन है वो निरंकुश हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार का जो शासन था, सुशासन का सरकार, लगातार ये वादे करते रहे थे, उसके बाद राजद के जो नेता है, हालांकि महागठबंधन में था तो दो चीज़ें सामने आई थी। कहा गया था कि कोई भी इस पे टिप्पणी नहीं करेगा, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के किसी भी शीर्ष नेताओं पे बातें कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से अब लगातार आरजेडी इस पे बयानबाजी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिखा जा रहा है कि कुछ दिन में ही महागठबंधन अब समाप्त होने वाला ऐसा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश जैसे ही आज जदयू कार्यालय पहुंचे तो साफ तौर पर देखा गया अफरा तफरी का माहौल था। सीएम नीतीश हालांकि जदयू कार्यालय क्यों पहुंचे थे, यह भी सवाल सामने आ रहा है। लगातार जो बयानबाजी हो रही है बिहार में, और इसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा यही हो रहा है, क्या महागठबंधन कुछ ही दिन का मेहमान है, क्योंकि 2024 आने में समय है और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री का, इन सब के बीच महागठबंधन में दरार जो देखी जा रही है, तो क्या अब वाकई में सपना जो है वो सपना में रह जाएगा या महागठबंधन आगे बढ़ेगा, ये बिहार की राजनीति में देखना लाजमी होगा। जैसे अपडेट आएगी आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल की इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।